श्री नानक पग पंकज बंदन पग पंकज बंदन सिमरो अंगद दोख निकंदन अमरदास गोर हृदय त्यागो हृदय त्यागो श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनाए बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह विश्वाला तरों तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीशा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग सत गुर मम बेरी कटहो निज बेरी पर चार एह बेरी होए पाव सफल बिन बेरी कर पारे कंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए एकंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी चौपाई लाज नाम अपने की राखो लख सेवक मुझ सेवा पाखो महिमा हमने लखें तुम्हारी रावर रूप नरन उपकारी
लाज नाम अपने की राखो। सच्चे पातशाह गरीब नवाज दीन दुनिया दे मालक चबर छत्र तखत दे मालक समरथ गुरु परतख गुरु दीन दयाल कृपाल अंतर जामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर वाहेगुरु अकाल पुरख स्वरूप सच्चे पातशाह दासां गरीबां सिखां सेवकां दी सदा ही इज्जत रखण वाले पत रखण वाले दया करन वाले रहमतां करन वाले बख्शिशां करन वाले धन धन अंतर जामी सच्चे पातशाह गरीब नवाज धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारियां सिख संगतां कहो जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सतगुरु गरीब नवाज साहिब जी दी महान पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाईमान संगत जी आप जी बड़े ही प्यार दे नाल कीर्तन दा रस प्राप्त कर रहे सीगे। कुछ समा गुरु घर दा महान पवित्र इतिहास आप जी सिख संगतां ने बड़े ही प्यार दे नाल सरवण करना है। दोवें हाथ जोड़ के गज के सारी संगत फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी ने सरवण किया श्री अमृतसर साहब विखे धन गुरु अर्जन देव महाराज सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी दे सरोवर की खुदवाई करवा रहे हैं। किमें किमें उस दौरान सिखां दा भला होया सेवा करद्या करद्या वड्डिया प्राप्तियां उन्होंने कीतियां ये कथा सतसंगत जी आप जी सरवण कर रहे हो। धन धन गरीब नवाज श्री गुरु अर्जन देव साहब जी ने कुछ प्रेमियों नू आप सदा दे के बुलाया जी। चेता रखियो जिन्हां दे भाग चंगे ओ आपे आ गए जी पर गुरु साहब जिन्हां दा भला करना चाहुंदे है वह अजे पहुँच नहीं सके। महाराज ने उन्हां नू आप सद्दा दे के भेजिया जी आप सद्दा दे के उन्हां नू सद्दिया जी। कल फिर आप जी ने एक सिख दा जीवन कल तो सुन रहे हो। फफरे पिंड दे विच जट है जट हाँ जी ये तां कहना पै रहा है पछाण है जी सिद्धू गोत दा जट है पर ओ साध संगत जी पीर नगाए वाले नू मनन वाला बन के ते उना दा चेला बन के उना दा प्रचार करदा ते पिंड दे विच उहदी बड़ी पूजा है जी। गुरु साहब जी ने तीन बार सिख नू भेजिया जो जो कल होया ओ तुसी सरवण कर ही चुके हो। महाराज ने उन्हों सदा भेजा भी तू किधर तुरिया फिरदा तू तो साडा है साडा। बड़ी वड्डी गल च गुरु साहब किसी नू ये आखण भी तू साडा है जी गज के आखो वाहेगुरु बहुत वड्डी गल है। वेखो कोई माड़ा कोई छोटा मोटा अहलकार पदवी वाला जां इउं कहना भी लीडर किसी नू चार जीआं विच कह देना भी ये बंदा साडा है ते लोग उहदा सत्कार करन लग पैंदे जी। उस बंदे नू भी बड़ी खुशी हुंदी है कि मैनू फलाने वड्डे बंदे ने आखिया भी मैं उन्हां दा बंदा हाँ। गुरु अर्जन साहब जी ने भाई बैलो जी नू सद्दा भेजिया भाई बैलो तू साडा है साडा। यह जदों बचन किया इस शब्द पता नहीं इहदे विच किन्ना कु प्यार महाराज दा छुपिया होया जी। इन्ना शब्द कहण विच वह नहीं मने जी। दूजी बारी फिर महाराज ने भेजा महाराज कहिंदे उहनूं आखो ये साढ़े पिछले जन्मां दा साथी है। भाई बैलो जी कहिंदे एवें थोड़ी पिछले जन्मां दा साथी दा पता लग जांदा पहलां मैनूं मेरे पिछले जन्मां दे बारे दसो। गुरु साहब नूं आखो मैनूं कोई अता पता देण पिछले जन्मां दा। फिर गुरु साहब ने एक कागज़ दे उत्ते उहदे पिछले जन्मां दे बारे लिख दिता जी। चेता रखियो सच्चे पातशाह सब कुछ जानदे ते सभना बारे जानदे है जी गज के आखो वाहेगुरु सब कुछ जानदे है ते सभना दे बारे जानदे है जी। जदों महाराज ने
ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਨਿਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਵੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਨਾ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਜੀ। ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਪੀਰ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਗਾਹੇ ਵਾਲਾ ਪੀਰ, ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏਗਾ। ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਹਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਸ਼ੇਖ ਬਣੇ, ਗਲ 'ਚ ਢੋਲ ਵਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਦਰਿਆ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਪੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਪੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਫੁਰਨਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਹੈ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਗ ਪ੍ਰੇਰਣ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕਿਸਮਤ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਖੇਡ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹਜ਼ੂਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਆਏ ਹੈ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਹੀ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ, ਇਉਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਅੱਜ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂ, ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਕਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੋਈਏ ਜੀ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਈ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਨਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਜੀ, ਉਂਝ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ, ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਦੇ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਲਾਜ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਾਖੋ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੋ। ਅਰਜਨ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਅਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜੀ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੀਏ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ। ਲੱਖ ਸੇਵਕ ਮੁਝ ਸੇਵਾ ਪਾਖੋ। ਵੇਖ ਲੋ ਕਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ, ਪੀਰ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਜੀ, ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੇਵਕ ਬਣਨਾ, ਚ ਚੌਧਰੀ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ ਜੀ,
सेवक बनना बड़ा औखा है जी, सब तो औखा काम ही सेवादार बनना, सेवक बनना। महाराज कृपा करो मैनू अपना सेवक बना लो। महिमा हमने लखें तुम्हारी, महिमा हमने लखें तुम्हारी। सच्चे पातशाह आप किन्ने वड्डे हो, मैं अज तक आप जी की महिमा समझ ही नहीं सकिया, भुलिया ही रहा महाराज, होर पासे जांदा रहा। हाँ जी, रावर रूप नरन उपकारी, पर महाराज आप जी ने ते सानू तारण वास्ते अवतार तारण किया। महाराज तुहाडा स्वरूप मनुखां नू तारण वाला है। हाँ जी, बिना सुनत श्री अर्जन गुरु। संगत जी एक गल चेता रखियो, जदों हिरदे च बैराग उपजे, प्यार उपजे, कदर पवे, सिफतां आपे ही अंदरों निकली जांदियां बंदे दे जी। भाई बहलो जी दे मन विच्चों सिफतां आपे ही निकल रही जी, आपे। महाराज जी नू जदों बेनती की ना जी, तां गुरु अर्जन देव महाराज ने भाई बहलो जी की सारी गल ध्यान नाल सुनी जी। हाँ जी, होए शरधा ते कारज पुरु। ते गरीब नवाज महाराज कहन लगे, फिर सुन संगत जी, ये कला भाई बहलो जी नू नहीं महाराज सुना रहे, सानू भी सुना रहे ने। महाराज कहन लगे, भाई बहलो तेरे सारे काम सवर जाणगे, हुण शरधा रखी। कहन लगे, पिछों आए है ना, कोई पता नहीं है, मन पिछे नू फिर उडू उडू कर दे जी। भाग ना साथ देण ते इंज भी हुंदा जे। हाँ जी, उजैन तो एक ब्राह्मण बिशंबर दास, उहदा पुत्र हर गोपाल, दसवें पातशाह को आया आनंदपुर साहब। उन्हें सतगुरु के दर्शन किए, महाराज ने कड़ा दिता जी, उन्होंने जी 600 रुपया उन्हें चढ़ाया सीगा जी। जदों सतगुरु ने उन्हें उन्हों कड़ा दिता, वह कहिंदा लै इन्नी माया दे के कड़ा ही दिता। उन्हें रस्ते च रसौदा कर दिता जी, जिदे कोल कड़ा गया वह निहालो निहाल हो गया जी, वह दिनों दिन घटना शुरू हो गया जी। कई वरी भाग ना साथ देण ते बैक गेर भी बज जांदा जी बंदे दा जी। हाँ जी, महाराज कहिंदे भाई बैलो हुण डोली ना कहण लगे, डोली ना कहण लगे, शरदा रखी, शरदा ना काम सौर नहीं सारे। हाँ जी, देवी देवन ते फल पावन, ब्रह्मा विष्णु महेश ते आवन। महाराज कहिंदे लोग शरदा रखदे है देवी देवत्यां दे उत्ते, ब्रह्मा जी ते, विष्णु जी ते, शिवां ते, उन्हां नू उन्हां को फल मिलदा है। हाँ जी, शरदा धर सब ते फल पाए, पर शरदा धारण करन नाल ही सारियां तो फल मिलदा जी। हुण वेखो, शरदा ही ना होवे जी फल किवें मिलेगा जी, बख्शिश किवें होएगी जी। हाँ जी, बिन शरधा कुछ हाथ ना आए। वाहेगुरु महाराज कहिंदे बैलो शरदा तो बगैर कुछ भी नहीं बंदे दे हाथ आउंदा जी। शरदा किनू कहिंदे जी, हुण इह भी तो सवाल है ना, शरदा किनू कहिंदे है। शरदा का अर्थ है जिहदे ते तुहानू शरदा पैदा होगी ना जी, वो जो बोल रहा सही बोल रहा, वो गलत नहीं हो सकता जी, हो ही नहीं सकता गलत जी, उन्हों शरदा कहिंदे, भरोसा कहिंदे। महाराज कहिंदे बैलो डोली ना, हुण शरदा रखी। कहण लगे, हाँ जी, शरदा मूल भगत तुच सारे। हाँ, भगती का मुढ़ जिहड़ा है ना, भगती तो छिल है, मुढ़ की है, मुढ़ शरदा ही है, शरदा ही काम सवार दी है। हुण केले दी छिल कोई थोड़ी छकदा, विचों कढ के केला ही छकदा है ना, बस शरदा केले दी न्याई, फल दी न्याई, गुद्दे दी न्याई है। ते संगत जी अपने मना च विचार करिया करो, जो गुरु अर्जन साहब कह रहे। महाराज की कह रहे, बैलो शरदा रखी, शरदा भरोसा रखी, कदों दे आपां लगे जी, कई कई साल हो गए लग्या नू। अपने मन दे कोलों पुछिया करो, मना मेरी गुरु ते शरदा वधी है जां गुरु तो शरदा घटी है। मन आपे ही दस देंदा जी।
महाराज कहते शरदा ना डोलन दई, शरदा मोडी, शरदा मूल है, भरोसा मूल है। मैं तुहानू भरोसे दियां जिन्नियां गल्लां सुणावां उन्नियां थोड़ियां जी, एक बचन नहीं है सात संगत जी, शरदा दे बड़े बचन ने। गुरु घर का इतिहास शरदा वालियां दा भरिया पिया जी। हाँ जी, ज्ञान तरोवर उदय उदारी, शरदा मोढ है उरे तो ही ज्ञान दा रुख बनदा महाराज कहण लगे। पर हुण अज की है, साढ़े बंदे शरदा नहीं रखते, सीधा कहिंदे ज्ञानी बना दिओ सानू, नहीं भांडे मांजने पैंदे है, शरदा ना सेवा करनी पैंदी है, भरोसे ना सेवा करनी पैंदी, आपे महाराज कृपा कर देंदे बंदे दे उत्ते जी। हाँ जी, फल केवल को प्राप्त होए, गज के आखो वाहिगुरु। शरदा जड़ है उरे तो ज्ञान दा रुख बनदा, उर तो फिर मुक्ति का फल लगता महाराज कहण लगे। मुक्त होना तो गुरां ते शरदा रखनी पैनी, शरदा रखनी पैनी। शरदा वालियां दियां क्या ही बातां ने जी। मैं केवल एक खिन वास्ते शरदा किन्नी चाहीदी गुरु साहिब ते, क्यों गुरु अर्जन देव जी भाई बैलो जी नूं कह रहे ने, भाई बैलो जी हथ जोड़ के सुन रहे ने, गुरु अर्जन साहिब बख्शिश कर रहे ने। प्यार शरदा, महाराज कलगीधर जी का गुरपुरब आने वाला है। कलगीधर जी दे कोल आनंदपुर साहब एक सिख आने लगा। उहदे पिंड च दो सिख रहिंदे सन, एक गरीब सीगा एक अमीर सीगा। जदों उस सिख ने जाके दसिया, भाई मैं सतगुरु जी दे कोल चलना। अमीर सिख ने माया दित्ती, कहण लगा लै मेरे वालों कलगियां वाले दे चरणा च मत्था टेकी। गरीब सिख कोल भी कौडी सी, उन्हें भी दित्ती, भाई मेरे वालों मेरे दाते मेरे प्रीतम मेरे मालक गुरु गोबिंद सिंह जी दे चरणा च कौडी रख के मत्था टेकी। सिख पहुँच गया आनंदपुर साहब, कलगीधर बैठे दीवान लगा, बड़ा आनंद वरस रहा है। सिख ने नमस्कार कीती, कहण लगा महाराज मेरे पिंड च दो सिख ने, आ एक ने आ माया भेजी, एक ने कौडी भेजी। गल्लां करदिआं करदिआं पता की आखिआ, कहिंदा महाराज वो जिहने माया भेजी ना खुली, उहदे मन च तुहाडे प्रति बड़ा प्यार है। असीं इहो अंदाजा ला दिंदे आ, सत संगत जिहने बहुती माया भेजी उहदा बहुता प्यार है। नहीं, जरूरी नहीं है, इत्थे हो सकदा है कौडी देण वाला किते ही अगे होवे सत संग जी। महाराज ने गल सुनी, महाराज कहिंदे हुण सुण। खुद कलगीधर कहण लगे, महाराज कहिंदे तैनूं विखा दईए शरदा किहदी ज़्यादा है, प्यार किहदा है, भरोसा किहदा ज़्यादा है। महाराज कृपा करो, सतगुरु कहण लगे आ एक सूई लै ला, वाहेगुरु तू जाके ना एक एक गल कहनी है कि मैं महाराज दे कोल गया, एक सिख ने सूई चढ़ाई दसवें पातशाह नू, एक ने हाथी चढ़ाया सूई दे नक्के चों, महाराज सच्चे पातशाह ने हाथी कढ दिता। उन्हें जाके इस तरह ही कह दिता। पहला जिहड़ा अमीर सी उहनू जाके कहा, अमीर कहिंदा हो आया, कहिंदा हाँ, कहिंदा मेरी हाजरी लवाई सी, कहिंदा लवाई सी, कहिंदा दस फिर उत्थे की वेख के आया, कहिंदा वेखना की सी, सूई दे नक्के चों हाथी महाराज ने कढ दिता। हुण सूई दा नक्का बहुत छोटा है। ओ अमीर कहण लगा तेरा दिमाग खराब हो गया, इस तरह भी हो सकता है? ये नहीं हो सकता। बस इहो साडी बुद्धि नूं मैल लग गई, असीं अपने गुरु ते भी शंका कर जांदे ने। श्री गुरु अर्जन साहिब इहो गल ही भाई बैलो जी नूं कह रहे, बैलो शरदा रखी, शरदा तो ही सब कुछ प्राप्त होना है, प्यार रखी, प्यार तो सब कुछ मिलेगा। कहिंदा ये नहीं हो सकता। कहिंदा भरावा जो वरत्या मैं दसदा, गरीब सिख कोल गया, गरीब ने सिख दी चरणा दी धूड़ लई, सिख ने दसिया कहिंदा मैं महाराज कोलों हो के आ गया,
कहन लगा अच्छा मेरे वालों मेरे सतगुरु के चरणों च नमस्कार कीती सी। कहिंदा हाँ कीती सी। कहिंदा फिर मेरे पातशाह दे तू दर्शन करके आया दस किहो जे दर्शन होए। कहिंदा भरावा एक हैरान करन वाली मैं गल वेखी। कहिंदा की वेख्या? कहिंदा महाराज ने सूई दे नक्के चों हाथ ही कढ दिता। कहिंदा इहदे च हैरानी वाली किहड़ी गल है? प्यार वाला बोलिया, शरदा वाला बोलिया। कहिंदा ओ भाई इहदे च हैरानी वाली किहड़ी गल है? दसवें पातशाह इन्ने वड्डे ने वो एक खिन विच सूई दे नक्के चों हजारां ही हाथी कढ सकदे ने। कहण लगे सत श्री अकाल। शरदा भरोसा। महाराज सच्चे पातशाह जी की सिफत च गुरमुख दस दे शरदालु को सब किछ अह होए अशरदक कछु ना लह। शरदा वाले वास्ते ते सब कुछ जे जिदे मन च शरदा नहीं है प्यार नहीं है साध संगत जी वह कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकता जी। ये बचन हवा च ना कट दिया करिए ये बचन खुद सच्चे पातशाह कह रहे हैं। फिर पढ़ो फल कैवल को प्राप्त होए। महाराज गुरु अर्जन साहब कहन लगे बैलो शरदा जड़ है ज्ञान प्राप्त हुंदा है जिरे अंदर शरदा हुंदी है ज्ञान रुख दी न्याई है ते एरे तो अगे मुक्ति दा फल लगदा। फिर हुण जड़ ही नहीं होएगी ते फल कित्थों प्राप्त होएगा? मन च गुरु साहब नाल प्यार ही नहीं है मन च सतगुरु जी दे प्रथाए भरोसा ही नहीं है मुक्ति दा फल कित्थों लगेगा? हाँ जी भरोसे वाले बचन गुरबाणी च बहुत ज़्यादा ने। सतगुर मेरा वड समर्था। गज के आखो वाहेगुरु। मेरे सतगुरु जी वड्डी समर्था दे मालक हन गुरु साहब कुछ भी कर सकते हैं। सो महाराज गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी भाई बैलो जी नूं कह रहे हैं जिस ते संकट होए ना कोई। जदों मुक्ति रूपी फल शरदा करके मिलता है ना ऐसे प्रेमी नूं कोई भी संकट नहीं आउंदा कोई भी संकट नहीं आउंदा। हाँ जी शरदा बिन सब निष्फल कर्म। गज के आखो वाहे गुरु। महाराज का बचन बड़ा कीमती है। शरदा नहीं है सारे कर्म निष्फल हैं काम कीतिया नू कोई फल नहीं लगता। मान लो सारी दिहाड़ी लंगर च भांडे मांजे वह गुरु नाल प्यार ही नहीं जदों हैगा साध संगत जी उत्थे लाभ नहीं प्राप्त हुंदा जी। महाराज कहिंदे भाई प्यारिया शरदा तो बगैर सब कुछ निष्फल हैगा जी। पर शरदा प्राप्त कदों हुंदी है वह भी सुन लो। महाराज बाणी च कहिंदे सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी है। सतगुर होए दयाल तां शरदा पूरी है। जदों सच्चे पातशाह मेहरबान हो जाते हैं उदों फिर सिख दी पूरी शरदा बद जाती है। अपना लाया पिरम न लगई शरदा आपे नीचे पैदा हुंदी। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीतम अपने प्रीतम अपने जनों प्रीतम लावे फिर ही प्रेम पैदा हुंदा जी। हाँ सुधर है रिदा ना प्राप्त धर्म। शरदा तो बगैर सब काम निष्फल ने ते सुधर है रिदा ना प्राप्त धर्म ना हिरदा ही शुद्ध हुंदा है ते ना धर्म की प्राप्ति होंगी जी। जिन्हें मर्जी भांडे मांजे जिन्नी मर्जी सेवा करे अंतर खाली प्रेम बिन अंदर प्यार ही नहीं हैगा हिरदा नहीं शुद्ध होएगा जी।
हिरदा महाराज कहिंदे पवित्र नहीं होएगा। आखो धन गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज, धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी, झोली अट के बैठिया करो महाराज नूं, आखो सच्चे पातशाह साढ़े ते दयालु होवो, सानू भी शरदा बख्शो। सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल ता शरदा पूरी है। पूरी पूरी शरदा बजदी जे जदों महाराज कृपा करते हैं। हाँ जी, शरदा सब ते पूर्व चाहिए। सब तो पहला गुरु अर्जन साहब कहते शरदा ही चाहिए सिख दे अंदर, भरोसा होवे, प्रेम होवे। हाँ जी, जिस ते मन बांशत फल लही है, जे शरदा है ना ते गुरु अर्जन साहब कहते जो मन च सोचोगे ओह ही मिलेगा जी। शरदा ही नहीं हैगी जी, भरोसा ही नहीं हैगा जी। हाँ जी, इम कह सतगुर कीन देहारी। ओ ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी ने एक गल सुनाई सी, उन्हां दी दाढ़ दर्द होवे कथा ना हुई। एक टाइम दा नागा सी, मोची लग गए सी, उन्हें मंत्र पढ़ के दाढ़ नूं कीलिया, दाढ़ सही नहीं हुई जी। मोची कहिंदा अज कथा नहीं फिर की। मस्कीन जी कहते अरे दाड़ नहीं सही हुई। कहिंदा मेरे मंत्र च नहीं कमी, तुहानू ना मेरे ते शरदा नहीं है कि कहण लगा, तुसीं विश्वास ते करो आपे ठीक हो जाणा तुसीं। मस्कीन जी कहण लगे कहिंदे मैं वाकई ओरे ते जदों विश्वास कीता मेरी दाड़ सही हो गई जी। हाँ जी, भरोसे दी डाक्टर ते भी ते भरोसा है ते जांदे हो ना, मैनू रोग तो मुक्त कर देगा। प्यारियो, जन्म मरण दा बंधन कट्टण वाले साडे सतगुरु ने यह भी भरोसा रखिया करो जी, यह भी भरोसा रखिया करो। शरदा सब तो पहला चाहिदी है, शरदा दे नाल ही सब कुछ मिलदा है। इम कह सतगुर कीन देहारी, यह कह के महाराज ने भाई बहलो की दिहाड़ी बन दिती। भाई बहलो प्यार नाल सेवा करी जा, तेरे धीआं पुत भी ने, तू उत्थे भी माया भेजनी है। महाराज कहन लगे तेनू रोज पैसे भी मिल जाया करनगे। लेहो गुर घर ते करो अगारी, ते महाराज कहन लगे गुरु घर तो लंगर छक लिया करी। कहन लगे हाँ जी, अब तीरथ की कार करीजै। जा भाई बहलो, सरोवर की सेवा चल रही है, तीर्थ की सेवा चल रही है, जाके सेवा कर। सब संगत के संगम लीजै, सारी संगत दे नाल रल के सेवा कर। हुण वेखो पिछों ते पीर सन जी, इत्थे आ के सेवक बन गए भाई बैलो जी। हाँ जी, जहां ईंट के लगे पजावे, महाराज कहण लगे जिथे आवे लगे है, इट्टां इट्टां दे आवे लगे है। बहो ईंधन के संग पकावे, ते बालन बाल बाल के सेक दे दे के इट्टां नूं जिथे पक्कियां करदे है पठा। हाँ जी, तहां सिख सेवा बहु करही, महाराज कहिंदे बैलो उत्थे बड़े सिख सेवा कर रहे ने। हाँ जी, करदम ते ईटन को घर ही, पहला वो चीकनी मिट्टी कट्ठी करदे है, ओहदा चिक्कड़ बणदा है, गिल्ली हुंदी है सारी, ओहदे तो सांचियां च पैंदी है, फिर इट्टां घड़दे है। हाँ जी, शुष्क होए तब लेहे उठाए, जदों इट्टां सुक जांदियां ने उदों सिख चुक के लै आउंदे हन। आवे बिखै धरै समदाए, बाकी आवे दे विच रखदे आ, आवे विच रख के इट्टां नूं पकाउंदे आ, लाल करदे आ चंगी तरां। गज के आखो वाहेगुरू, इट कच्ची होवे बात नहीं बणदी। हाँ जी, जिम नीके पाकें गन आवे, जिमें सारे आवे चंगी तरह पक जान। हाँ जी, तिम ईंधन बिन सो देहो पावे, महाराज कहिंदे उस विधि अनुसार बालण लिया लिया के प्रेमी सिख आवियां दे विच पाउंदे हन। अग बलदी है, बहुत अग बलदी है।
फिर जाके साध संगत जी इटां पकदियां ने किते जाके। हाँ जी तेह थित रहो सबन सो कहो, महाराज कहन लगे तुहाडी जिम्मेवारी उत्थे दी है, उत्थे विच बालण पवाउणा है, इटां पक्कियां करवाया करनियां तुसी कहन लगे। एहो तीरथ की सेवा लहो, ए लोकां नूं भी आखणा भाई तीरथ की सेवा करो बड़ा फल मिलेगा। ये महाराज गुरु अर्जन साहब ने भाई बैलो जी की जिम्मेवारी ला दिती जी। गज के आखो वाहेगुरु, गज के वाहेगुरु। एम सुन के बहलो हर खायो, भाई बैलो जी सुन के बड़े खुश होए जी। हाँ जी कर बंधन सिखन मैं आयो, मत्था टेकिया महाराज नू ते गुरसिखां विच रल गए जाके। हाँ जी करबे लाग्यो टहल तिन संग, ते सिखां दे नाल रल के भाई बैलो जी सेवा करन लग पए जी। हाँ जी सकल दिवस जेतो बल अंग, सारी दिहाड़ी कम करते सन, सारी दिहाड़ी साध संगत जी शरीर बली सीगा, जिन्ना बल हुंदा सीगा सारी दिहाड़ी सेवा करनी, सारी दिहाड़ी खलोते रहना भी केड़ा सौखा काम हैगा जी। कहिंदे सारा खून पैरां च इकट्ठा हो जांदा आके बंदे दे। हाँ जी सारी दिहाड़ी खलो के सेवा करनी जी। हाँ निसा भए जब फिरै अंधेरे, जदों रात पै जानी ते फिर भाई बैलो जी ने जिथे जिथे सिख सुते हुंदे सन उत्थे जाना जी। जाच लेत सिखन के डेरे, उथों जाके सिखां दे डेरियां च जाके भोजन मंग के छकणा जी। हां जी अल्प आहार तबै कर रहा, प्रसादा थोड़ा छकणा जी। हां जी गुर पग प्रेम रैन दिन लहै, ते दिन रात महाराज गुरु अर्जन साहब दे चरणा च ध्यान लाई रखना जी। बड़ा औखा काम है, तुसी एक दिन ही सारा दिन फुरना बना लो भी मैं अज सारी दिहाड़ी सेवा ही करनी है, किसे नाल गलबात नहीं करनी, थोड़ा छकना है सेवा करनी है। पता लग जाएगा भी सिखां दी किन्नी मेहनत हैगी है जी। हाँ जी दिवस बिखै नित सेवक मावै, दिन समय भाई साहब जी सेवा करते हैं जी, सारा सारा दिन सेवा ही करते रहते हैं, सिमरन करते निसा बितावै, रात नूं वाहे गुरु वाहे गुरु, रात नूं सिमरन करदिया गुजर जांदी है, सफली हो जांदी है। बूझै लोक ईटका आवै, इस ते एह नीके पक जावै, ते आके पुछदे है भाई किन्ना कु बालण दी लोड़ है, किन्नी कु वस्तुआं दी लोड़ है मैं लैके आवां। हाँ जी तब है किसू ने कहियो सुनाए, बिष्टा जेकर इन मैं पाए, साध संगत जी किसे ने फिर उत्थे जिहड़ा मिस्त्री सी ना उन्हें भाई बैलो नू एक गल दसी। गज के आखो वाहे गुरु, है सावधान हो के गज के वाहे गुरु। उन्हें आखिया भी इटां बहुत लाल होणगियां जे दे विच गोबर पाया जावे, घोड़ियां दी लिद गावां दा गोया ये सारा कुछ जे विच पई जावे ना, इन्हां दी अग जिहड़ी है उह इट्टां नूं बड़ी छेती पकाऊ ते लाल करूगी। हाँ जी तौ आछी पाकै होए लाल, फिर इट्टां चंगी तरह पक्कणगियां, इट्टां लाल होणगियां, कसै ना फूटें सो तत्काल, फिर ऐसियां इट्टां तैयार होणगियां जिहड़ियां छेती घसणगियां भी नहीं ते जिहड़ियां छेती टुटणगियां भी नहीं। संगत जी हुण ते सारा कुछ डुप्लीकेट चलदा ना, कम इट भी छेती टुट जांदी है, पुराने मकानां दियां इट्टां वेखो जिहड़ियां पुरानियां इट्टां लगियां बड़ियां मजबूत ने जी, देसी फार्मूले सन बड़े वधिया सन, हुण तां इट्टां विच भी नहीं जान हैगी जी। भाई बैलो जी नूं प्रेमी ने आखिया, भाई बैलो जी जे विच गोबर पवे विष्टा पवे ना फिर जाके इट्टां जिहड़ियां है उह लाल होणगियां चंगी तरह पक्कणगियां, उहनां दा सेक लगे इहनां नूं। हाँ जी एम सुन प्रेरे सुपच बतेरे,
ਭਰੈ ਸੂਪ ਲੱਦ ਰਾਸ਼ਬ ਪ੍ਰੇਰੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੱਥ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਹੋ ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪਸ਼ੂ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਢੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਟੋਕਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੋਆ ਖੋਤਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਟੌਰ ਵਾਲੀ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਟੌਰ ਬਣੇ ਜੀ। ਹੈਂ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਢੋਣੀ ਜੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਥਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਟੋਕਰੇ 'ਚ ਰੱਖਣੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਜੀ, ਆਵੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਜੀ, ਭੱਠੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਟਨ ਕੇ ਚਹੋਂ ਫੇਰੇ ਪਾਏ, ਅਪਰ ਬਹਰ ਕੂਰਾ ਲੈ ਆਏ। ਇੰਟਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਮੈਲੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਗਾਏ ਗੋਬਰ ਨਾਲ, ਗੋਏ ਨਾਲ ਮੈਲੇ ਰਹਿਣੇ ਕੱਪੜੇ। ਬਿਧ ਸੋ ਕਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਉਪਜਾਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਏਦਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਣਾ। ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗਨ ਇੰਟਨ ਕੇ ਲਾਏ ਪਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਭੱਠੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਬਹੁ ਸੁੰਦਰ ਭਾਈ ਲਾਲ। ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਫਲੀ ਹੋਈ ਜੀ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਜੀ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੂਠ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਜੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਗਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜੂਠ ਅਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨਾ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜੀ, ਕਿੰਨੀ ਮਨ ਮਾਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਟਾਂ ਖੂਬ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਪੱਕੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਬਹਿਲੋ ਹਰਖਿਓ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਲਖ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਮਝ ਗਏ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੇਵਾ ਸਿੱਖਣ ਕੀ ਭਿੱਖ ਸੁਆਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਸ਼ਕ ਈਟਕਾਂ ਨਿਕਟ ਮੰਗਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਓ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨ ਨੀਠ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਇੱਟਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
दो चार साल रहना यह जुगा जुगा तक रह गया जी। सरोवर चो इटा लगिया जे पौड़िया च जुगा जुगा तक रहना, कच्चा काम थोड़ी करना है। फिर महाराज ने सचे पातशाह ने पक्के ही काम करने हैं, पूरे का किया सब किश पूरा। हाँ जी परम प्रसिद्धे बाक सुनायो। जदों इटा है लाल होइया पईया पक गईया, महाराज बड़े खुश होए जी। खुश हो के सतगुरां ने बचन कीता, एहो आवा अब भलो पकायो। महाराज कहिंदे बहुत सोहना आवा पक्या। हाँ जी अत सेवा बहलो की देख। ते सिखां नूं पुछिया, पता तो हैगा महाराज नूं सारी गल दा, पर महाराज सिखां नूं पुछदे है भाई प्यारिओ इह किन्ने सेवा कीती है। एक सिख हथ जोड़ के कहन लगा, महाराज भाई बैलो जी दे करके सारा कुछ होया जे। भाई बैलो जी गंदगी ढोंदे रहे। महाराज फिर भाई बैलो जी ते होर प्रसन्न होए जी। हाँ जी कृपा दृष्ट गुर करत विशेख। ते फिर जदों गुरु साहब खुश हुंदे है ते की हुंदा, महाराज ने कृपा दृष्टि दे नाल भाई बैलो जी नूं देखिया जी। मेर दी जदों दृष्टि पाई ना जी। हाँ जी अंतह करण भयो निर्मलिया। अंतह करण भयो निर्मलिया, भाई बैलो दा मन उसे वेले निर्मल हो गया, पवित्र हो गया जी। गज के आखो वाहेगुरु। मन ही नहीं पवित्र हुंदा जी। हाँ जी ये नहीं पवित्र हुंदा जी, जप तप भजन बंदगी सेवा करदिया होयां दा नहीं पवित्र हुंदा जी। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾਦਿਕ ਸਭ ਦਲੀਆ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾ ਕਾਮ, ਨਾ ਕ੍ਰੋਧ, ਨਾ ਲੋਭ, ਨਾ ਮੋਹ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਮ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਲੱਗਿਓ ਕਨੇਰਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ। ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਗੰਦਗੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਪਕਾਉਣੇ ਆਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿਰ 'ਤੇ ਢੋਣੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਰੀ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਹੈ ਭਜਾਵਨ ਕਾਜ ਵਡੇਰਾ। ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਜੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਬੈਸੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅੱਗੋਂ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਵਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਬੈਠੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਓ ਲਾਂਗਰੀ ਆਏ ਸੋ ਐਸੇ। ਲਾਂਗਰੀ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ, ਲਾਂਗਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਚੂਨ ਆਜਨੈ ਭਇਓ ਤਿਆਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ ਅਟਕੀ ਦੇਗ ਸੋ ਭਈ ਲਚਾਰੀ। ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖਨ ਸਾਥ ਅਲਾਏ, ਆਜ ਦੇਗ ਕੋ ਔਰ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਖੇਡ ਵਰਤੀ, ਅਜੇ ਕੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਬਣਵਾਵੇਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਸਿੱਖ ਖਰਚੇ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਣ ਬਹਿਲੋ ਹੋਏ ਖਰੇ ਉਚਾਰੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਲੋਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੰਜੀ ਕੱਢਣੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ। ਰਾਵਰ ਕਰੀ ਜੋ ਮੋਹੇ ਦਿਹਾਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰਬ ਇਕੱਤਰ ਅਹੈ ਸੋ ਧਰੀ, ਮੈਂ ਨਿਜ ਗੁਜ਼ਰ ਅਪਰਬਿਦ ਕਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਨਾ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ।
ਸੋ ਸਭ ਰਸਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਏ। ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪੰਜੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਲੋਭੀਆਂ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਭ ਦਾਨ ਤਿਉਹਾਰੋ ਖਾਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾਣਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਸਿੱਖ, ਅਬ ਨਾ ਫਿਰੋ ਘਰ ਘਰ ਹਿੱਤ ਭਿੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਮਾਇਆ ਬਚਾਲੀ, ਘਰ ਘਰ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕਿਆ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਮਾਂਗ ਮਾਂਗ ਟੁਕਰੇ ਬਹੁ ਥਾਵਨ, ਸੋ ਸਭ ਹਮਕੋ ਕਰੋ ਖਵਾਵਨ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਵਾਇਆ ਕਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਖਵਾਇਆ ਕਰ। ਵੇਖ ਲਓ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਚੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਲੰਗਰ ਤੇ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਹੀ ਛਕਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੀ। ਨਹਿ ਜਾਂਚੋਂ ਤੋਹੇ ਭਾਉ ਉਦਾਰਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਹਮਰੀ ਕਰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਐਸੇ, ਜਾਚੇ ਟੁਕਰੇ ਦੇਹੋ ਨਾ ਕੈਸੇ। ਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਵਰਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੰਗ ਮੰਗ ਛਕਾਈ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਮਾਇਆ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਮਾਇਆ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ 'ਚੋਂ ਛਕਣਾ, ਮਾਇਆ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਵੇਖੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਜੇ ਘੰਟਾ ਲਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਜੀ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਮਨ ਆਲਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੀ ਰਹੇ ਸੇਵਾ 'ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਓ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।